मैं पंडित सुदामा शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा जीए की ओर से शहरवासी एवं विप्र बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए परिवार की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं दीपक टवानी, श्री पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक और श्री प्रेम एंटरप्राइजेज अजमेर की तरफ से पूरे शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल डीपीएस अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आज हमारा जो एक घंटे का कार्य बहिष्कार है, सरकार ने जो आने से पहले 10 महीने पहले हमारे से वायदा किया था कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है, जो आपकी लंबित मांगे हम सबको मानते हुए रोडवेज का विकास करेंगे, ऐसा श्री सचिन पायलट जी ने और माननीय अपने यातायात मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास जी ने कहा था। तो सरकार बन चुकी, 10 महीने हो गए, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। हमने उन्हें बार बार ज्ञापन दिया, समझाया, हमने 2 दिन का धरना दिया पहले, इसके बाद में पायलट जी के विधानसभा क्षेत्र में उनको चेताने के लिए रैली भी निकाली है, और आज तीसरा चरण जो हमारा है ये 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। सरकार से हमारी मांगे हैं, पहले तो नई गाड़ियां खरीदे, भर्ती करें, और रिटायरमेंट कर्मचारियों का वेतन बकाया भत्ता है, जो बाकी पैसा है वो चुकाए। दूसरी बात ये, दिवाली आ चुकी है, रोडवेज कर्मचारी अपने को ठगासा महसूस कर रहे हैं, राज कर्मचारियों को बोनस तक दे दिया गया है, और राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों को काली दिवाली मनानी पड़ेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री और सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरवास से निवेदन करूंगा कि जो सरकार कर चुकी जाने वाली, ऐसा आप अगर दोहराओगे तो वही हथकंडे होंगे जो उस सरकार के साथ हमने 5 साल आंदोलन किया, और आपके खिलाफ भी हम काले झंडे, काली रैलियां, काले जहां भी आप जाओगे वहां आपका विरोध करेंगे। इसलिए समय होते हुए हम फिर भी आपको चेताना चाह रहे कि अगर दिवाली से पहले इन कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है तो ठीक है, नहीं आने वाले टाइम में दिवाली के बाद माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के विधानसभा क्षेत्र में रैली निकाली जाएगी, और इसके बाद अगर नहीं मानते तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बनवालाल जांगिड़, क्षेत्रीय सचिव एटक यूनियन।